हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब इन्फॉर्मेशन 3.0। फ्रेंड्स, न्यू नोटिफिकेशन आउट हुआ है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से। तो चलिए इसके बाद डिटेल्स जानते हैं, और डिटेल्स जानने के लिए आपको इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहना होगा। तो चलिए इस जॉब का बात डिस्कस करते हैं। ये जॉब में एम्स बिलासपुर में डिप्लॉयमेंट के लिए प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इन्वाइट किया जाता है। पोस्ट लोअर डिविजन क्लर्क में 18 पोस्ट पे। इफेंशियल क्वालिफिकेशन मिनिमम 12th पास होने चाहिए। स्किल टेस्ट कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट आने चाहिए, और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होने चाहिए। इस पोस्ट में रिम्यूनरेशन 18,750 रुपया दिया जाएगा। लाइब्रेरियन GR3 में 1 पोस्ट है। इफेंशियल क्वालिफिकेशन बैचुलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होने चाहिए, एंड बैचुलर्स डिग्री और लाइब्रेरियन साइंस में इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होने चाहिए। डिजायरेबल एक्विजिशन ऑफ बुक्स का 2 ईयर का एक्सपीरियंस होने चाहिए। टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट आने चाहिए, और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड आने चाहिए। इस पोस्ट में रिम्यूनरेशन 35,400 दिया जाएगा। स्टेनोग्राफर में 5 पोस्ट से। क्वालिफिकेशन मिनिमम 12th पास होने चाहिए, और मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होने चाहिए विथ 5 ईयर सर्विस रेगुलर और एडोक एज अ स्टेनोग्राफर गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन में। स्किल टेस्ट नॉम्स सिर्फ कंप्यूटर पर। डिक्टेशन 10 MTS 80 वर्ड पर मिनट। ट्रांसक्रिप्शन 50 MTS इंग्लिश में एंड 65 MTS हिंदी में। इस पोस्ट में रिम्यूनरेशन 18,750 रुपया दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट जूनियर वार्डन में 3 पोस्ट से। इफेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन स्टोर कीपिंग पब्लिक रिलेशन और स्टेट मैनेजमेंट में 1 ईयर से एबव का एक्सपीरियंस होने चाहिए, और अ सर्टिफिकेट और स्टोर कीपिंग मटेरियल मैनेजमेंट पब्लिक रिलेशन हाउसकीपिंग में फॉर्मल ट्रेनिंग होनी चाहिए। इस पोस्ट में रिम्यूनरेशन 18,750 रुपया दिया जाएगा। स्टोर कीपर में 8 पोस्ट पे। इफेंशियल क्वालिफिकेशन इकोनॉमिक्स कॉमर्स एस्थेटिक्स में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। डिजायरेबल हैंडलिंग स्टोर एंड कीपिंग अकाउंट्स इन अ स्टोर और अ कंसर्न ऑफ रिप्यूट इन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का एक्सपीरियंस होने चाहिए, और इकोनॉमिक्स कॉमर्स एस्थेटिक्स में बैचुलर्स डिग्री होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। मटेरियल मैनेजमेंट में डिप्लोमा होने चाहिए। डिजायरेबल हैंडलिंग स्टोर्स एंड कीपिंग अकाउंट्स इन अ स्टोर प्रिफेबली मेडिकल और कंसर्न ऑफ रिप्यूट इन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में एक्सपीरियंस होने चाहिए, और डिग्री और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होने चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और मटेरियल मैनेजमेंट में डिप्लोमा होने चाहिए, और हैंडलिंग प्रिफेबली मेडिकल स्टोर्स इन गवर्नमेंट पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में 3 ईयर का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। इस पोस्ट में रिम्यूनरेशन 35,400 दिया जाएगा। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल
में टू पोस्ट है, इफिनफिल क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 ईयर का डिप्लोमा होने चाहिए, डिजायरेबल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वर्क में एक्सपीरियंस होने चाहिए, रेम्यूनरेशन 35,400 दिया जाएगा। नेक्स्ट जूनियर इंजीनियर एफई एंड रेफ्रिजरेशन में 1 पोस्ट है, इफ एंड फ्यूल क्वालिफिकेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लस अ स्पेशलाइज्ड कोर्स रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में 3 ईयर का डिप्लोमा होने चाहिए। ओके, डिजायरेबल एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन वर्क में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होने चाहिए, रिम्यूनरेशन 35,400 दिया जाएगा। जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन में 1 पोस्ट है, इफ एंड फेल क्वालिफिकेशन हिंदी इंग्लिश विथ इंग्लिश हिंदी एज अ मेन सब्जेक्ट डिग्री लेवल में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। ओके, और मास्टर्स डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट विथ हिंदी एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशन विथ इंग्लिश एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, और बैचलर्स डिग्री विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज अ मेन सब्जेक्ट होनी चाहिए, और इधर ऑफ टू एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, एंड अदर्स एज अ मेन सब्जेक्ट प्लस रिकग्नाइज्ड डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, सर्टिफिकेट होने चाहिए ट्रांसलेशन का हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन का, और ट्रांसलेशन वर्क में 2 ईयर का एक्सपीरियंस होने चाहिए। ओके, इस पोस्ट में रिम्यूनरेशन 22,020 रुपया दिया जाएगा। योगा इंस्ट्रक्टर में मेल के लिए 1 पोस्ट है, फीमेल के लिए 1 पोस्ट है, इफ एंड फेल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट और योगा में डिप्लोमा होने चाहिए। ओके, टीचिंग का 10 ईयर का एक्सपीरियंस होने चाहिए। ओके, और योगा की ट्रेनिंग होनी चाहिए। डिजायरेबल योगा का एक्सपीरियंस ऑर्थोपेडिक्स डिजायरेबल होगा। इस पोस्ट में रिम्यूनरेशन 44,900 दिया जाएगा। MFSO GR2 में 3 पोस्ट पे, इफ एंड फेल क्वालिफिकेशन फोफल वर्क में मास्टर्स डिग्री होने चाहिए। ओके, लाइन विथ वेलफेयर और हेल्थ एजेंसी प्रिफेबली डीलिंग विथ मेडिकल पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में एक्सपीरियंस होने चाहिए, डिजायरेबल स्पेशलाइजेशन बाय एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग इन मेडिकल सोशल वर्क इंक्लूडिंग ओके सर्विसेज, इसमें रिम्यूनरेशन 35,400 दिया जाएगा। फार्मासिस्ट में क्वालिफिकेशन फार्मेसी में डिप्लोमा ओके, और 1948 एक्ट फार्मेसी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए। डिजायरेबल फार्मेसी में डिग्री और डिस्पेंसिंग में एक्सपीरियंस और स्टोरेज एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग इन रेप्यूटेड हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन और इन ड्रग स्टोर इन अ फार्मास्यूटिकल कंसर्न में एक्सपीरियंस होने चाहिए।
रिम्यूनरेशन 22,020 रुपया दिया जाएगा। प्रोग्रामर में 3 पोस्ट पे, इफ एंड फेल क्वालिफिकेशन बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग में होनी चाहिए या एमसीए होनी चाहिए। रिम्यूनरेशन 44,900 दिया जाएगा। जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट के लिए क्वालिफिकेशन इंटरफाइंस, ओके, फिजियोथेरेपी में डिग्री एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इस पोस्ट में रिम्यूनरेशन 35,400 दिया जाएगा। असिस्टेंट डिटिफियन में 2 पोस्ट पे, क्वालिफिकेशन फूड एंड न्यूट्रिशन में एमएससी होनी चाहिए। द लाइन एंड प्रिफेबली इन लार्ज टीचिंग हॉस्पिटल में 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिम्यूनरेशन 35,400 दिया जाएगा, ओके। एमआरटी में 10 पोस्ट पे। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल देख सकते हैं, रिम्यूनरेशन भी देख सकते हैं। डेंटल टेक्नीशियन मैकेनिक में 4 पोस्ट पे, जूनियर ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट में 2 पोस्ट पे, क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, रिन्यूमरेशन यहाँ पे देख सकते हैं। मॉर्चरी अटेंडेंट में 2 पोस्ट पे, एस्थेटिकल असिस्टेंट में 1 पोस्ट है, ओके। टेक्नीशियन ओटी में 12 पोस्ट पे, ऑप्टोमेट्रिस्ट में 1 पोस्ट है, टेक्नीशियन रेडियोलॉजी में 6 पोस्ट है, टेक्नीशियन लेबोरेटरी में 23 पोस्ट पे, टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी में 2 पोस्ट पे। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स कि किस में कितने पोस्ट है और कितने रिन्यूमरेशन दिया जाएगा। फ्लिक्शन प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स के अनुसार किया जाएगा एंड रिक्रूटमेंट ऑफ जॉब। प्रिफ्रेंस वो कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी सेम और सिमिलर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। टेस्ट रिटर्न एग्जाम इंटरव्यू जॉइनिंग द ड्यूटी ऑन सेलेक्शन के समय TADA नहीं पेड किया जाएगा। एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं इफ लिंक में विजिट करके, ओके। आप इस फॉर्म को लास्ट 28/6/2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। आप इस फॉर्म को इफ लिंक में विजिट करके रजिस्ट्रेशन कर ले, ओके। रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्टेप 1 में सेलेक्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर, स्टेप 2 में बेसिक डिटेल्स को फिल करना है, स्टेप 3 में एजुकेशन डिटेल्स को एंड वर्क एक्सपीरियंस को इंटर करना है, स्टेप 4 में अफकिन फोटो सिग्नेचर बर्थ सर्टिफिकेट टेंथ सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, स्टेप 5 में प्रीव्यू और मॉडिफाई एप्लीकेशन केयरफुली देख लीजिएगा, ओके। स्टेप 6 में ऑनलाइन पेमेंट करना है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग UPI एटसेट्रा के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, ओके। स्टेप 7 में ईमेल योर अफकिन डॉक्यूमेंट्स टू ईमेल ID मेंशन्ड इन लास्ट पेज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ओके। जनरल कैंडिडेट को 750 रुपये पे करने होंगे, एक्स्ट्रा फॉर एवरी एडिशनल पोस्ट के लिए 500 रुपये पे करने होंगे। OBC
के कैंडिडेट्स को 750 रुपये पे करने होंगे, एक्स्ट्रा पोस्ट के लिए 500 रुपये पे करने होंगे। ओके, FE/ST के कैंडिडेट्स को 450 रुपये पे करने होंगे, एक्स्ट्रा एवरी एडिशनल पोस्ट के लिए 300 रुपये पे करने होंगे। एक सर्विसमैन को 750 रुपये पे करने होंगे, एक्स्ट्रा एवरी एडिशनल पोस्ट के लिए 500 रुपये पे करने होंगे। वुमेन को 750 रुपये पे करने होंगे, एक्स्ट्रा एडिशनल एवरी पोस्ट के लिए 500 रुपये पे करने होंगे। EWF/PH को 450 रुपये पे करने होंगे, एक्स्ट्रा एवरी एडिशनल पोस्ट के लिए 300 रुपये पे करने होंगे, और इसका पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ताई हो फ्रेंड्स, इस जॉब के बाद सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। स्टिल किसी भी तरह का डाउट रहता है देन आप कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग को इस वीडियो से हेल्पफुल लगा हो देन इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं देन इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बिकॉज जब भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आउट होगा देन सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।